गुड इवनिंग जी। और तो देखिए आज थर्सडे है, मतलब यूं करके दिन निकल रहे हैं और यूं करके दिन निकलते निकलते ये संडे आ गया, ठीक 7:30 बजे संडे। इसको भारत पाकिस्तान का मुकाबला शुरू हो चुका होगा। अच्छा, एक साल पहले इंडिया वर्ल्ड कप जब हारा, पाकिस्तान सेमीफाइनल भी खेला, उस वक्त लगा था यार इंडिया शायद ना T20 में पाकिस्तान से पीछे चला गया है। लेकिन अब मैं दोनों टीमों को आमने सामने रखता हूं तो किताबों में इंडिया बहुत भारी लगता है। निखिल है मेरे साथ, निखिल के पीछे किताबें हैं और मुझे तो लग रहा था कि यार निखिल आप दुबई पहुंच गए होंगे, आप ये लाइब्रेरी में क्यों बैठे हैं, किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं आप? आप मुझे देख सकते हैं पर मैं आपको नहीं देख सकता हूं, ये नाइंसाफी है। लेकिन आज ठीक है, आप स्टूडियो होंगे, किताबें इसलिए क्योंकि ये घर है। मैं थोड़ी किताबें पढ़ रहा था कि क्या हाल है पाकिस्तान टीम के, किसने कितने रन बनाए हैं, तो उन सब पे थोड़ी मेहनत कर रहा था। और दुबई तो मुझे लगा आप भी पहुंच गए होंगे, लेकिन आप कब पहुंच रहे हैं दुबई? मैं पता नहीं यार, मेरी टिकट आपके पास है मैंने सुना है। ओ अच्छा, तो हो सकता है कि कल का शो तो शायद वहीं से होगा ना, लाइव दुबई से। ये तो बात, तो अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो ये इसकी एक एक फोटो कॉपी करके ले आना। हाँ नहीं, पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं, सुन भी रहा था बाय द वे सकलेन मुश्ताक को, अभी अभी उन्होंने वो मीडिया से रूबरू हुए थे, कई चीजों पे उन्होंने बात की पाकिस्तान टीम को लेकर कि भाई वो आ रहे हैं वहां से। उन्होंने खासतौर पे बोलिंग पे बहुत सवाल पूछे गए कि भाई शाहिनशाह अफरीदी नहीं है, ये है वो है, तो उन्होंने कहा यार शाहिनशाह अफरीदी नहीं तो क्या हो गया, हमारे पास तीन बड़े अच्छे फास्ट बोलर्स हैं और उन पे पूरा भरोसा है मुझे। हसनैन है, हारिस राउफ है जो बड़ी तेज डालते हैं, उसके बाद नसीम शाह है एक और युवा, तो 150 के करीब हमारे तीन फास्ट बोलर हैं, तो मैं उनसे भी खुश हूँ। तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे वहां, उनकी मैं बातें सुन रहा था। लेकिन निखिल अगर दोनों टीमों को आमने सामने रखें, लास्ट ईयर पाकिस्तान ने तकरीबन इसी इंडियन टीम को, तकरीबन यही इंडियन टीम थी, बैटिंग तो यही थी, बुरी तरह हराया था। ऐसा क्या है कि वही टीमें हैं फिर भी मुझे हिंदुस्तान थोड़ा बेहतर दिखता है? क्या वो सेंस ऑफ प्रिपरेशन है? आई थिंक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बाद से 7 T20 खेले हैं, इंडिया ने 24 खेले हैं। एक तो वो है, और आई थिंक वो आप और हम कहीं ना कहीं जानते हैं शायद कि जो वो हुआ ना वर्ल्ड कप में वो एक एबरेशन था। आप देख लें, हाँ इंडिया पाकिस्तान का आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना। देखिए वो मैच में भी आपको याद होगा, उस पर भी हम चर्चा करते थे, वो उसके लिए भी हम बिल्डअप जब कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक किसी ने पाकिस्तान को फेवर किया था, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो फाइनल जीत चुके थे, फिर भी पाकिस्तान को किसी ने पिक नहीं किया था। तो आई थिंक एक चीज वो थी। दूसरी चीज एक जो बड़ी खिलाफ गई इंडिया की, मैं कुछ आंकड़े निकाल रहा था, वो ये, और आई थिंक इस पे हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है, वो ये कि इंडिया और शायद ये कोइंसिडेंस हो, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री वाली इंडिया थी ना, वो अक्सर T20 क्रिकेट में जब चेस करती थी तो बहुत अच्छा करती थी, बैटिंग फर्स्ट उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, मैं आंकड़े कुछ देख रहा था। और हुआ क्या आपके यूएई वाले मैच में, वो जो एक एकली झील थी, एक ही जो कमजोरी थी कि आप जब वहां पर पहले बैटिंग करते थे तो शायद आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, आपको वहां पहले बैटिंग करनी पड़ी दोनों मैचों में, एक दोनों मैचों में एग्जैक्टली, और वहां आपका कोलैप्स होता है और आप उसे रिकवर नहीं कर पाए। एक चीज जो इंडियन फैंस को इस वक्त बहुत भरोसा देगी वो ये कि जब से कप्तान कोच का कॉम्बिनेशन बदला है, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का कॉम्बिनेशन आया, तब आपका चेजिंग रिकॉर्ड तो T20 में अच्छा है ही, जैसा विराट और रवि शास्त्री के साथ था, बल्कि बैटिंग फर्स्ट भी आपका रिकॉर्ड काफी अच्छा हो गया, ऑलमोस्ट बराबरी का हो गया, 50% से थोड़ा ज्यादा विन लॉस रेशियो है, जो पहले नहीं था, काफी एक तरफा था, आप पहले बैटिंग करते थे नहीं जीतते थे। तो एक चीज ये हुई है, मैं उसके पीछे सोच रहा था ऐसा क्यों हुआ भाई, कप्तान कोच बदले, टीम तो लगभग वही है, तो ऐसा क्या हुआ कि पहले भी आप बैटिंग करके जीत रहे हो? आई थिंक उसका जवाब आपको मिलता है जिस अंदाज में इंडियन टीम खेल रही है, जो टेम्पलेट हम बात कर रहे थे, थोड़ा बदला है ना रोहित शर्मा के नीचे आके, उसके आपको 2-3 आपको उदाहरण भी मिलेंगे। रोहित शर्मा खुद T20 में अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो खुद शायद उतनी तेज तरह अंदाज से नहीं खेलते थे, थोड़ा संभल के खेलते थे, वो खुद अब एकदम अग्रेसिव तरह से शुरुआत करने लगे। विराट कोहली जो 2 T20 खेले हैं इस नए टेम्पलेट में, इंग्लैंड में हमने देखा था,
उसमें भी विराट कोहली भी टाइम लेते थे, एंकर रोल खेलते थे, उसमें भी वो आते स्टेप आउट करके शुरू से मारते हैं, तो वो भी अपने आप को बदल रहे हैं। आपने देखा सूर्य कुमार से ओपन कराया जा रहा है, आई थिंक ये सब एक नपीतुली रणनीति थी इसी चीज को बदलने में कि भाई चेज जब आप करते थे आपको टारगेट तो पता था आप चेज करते थे, बैटिंग पहले में आप ये कमजोरी कर रहे थे कि आप थोड़ा कन्वेंशनल T20 क्रिकेट खेल रहे थे, अब उसको आपने बदला है, उस टेम्पलेट को बदला है, शायद ये कारण है अब बराबरी का हिस्सा हुआ है। तो अब अगर टॉस होता है इंडिया पहले भी बैटिंग करती, आई थिंक उतना ओवरवेलमिंग फेवरेट दूसरी टीम नहीं होगी जैसे पहले होती थी। आई थिंक ये चीज पिछले मैच में थी शायद। फेयर इनफ। लेकिन ये भी है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल, मतलब दो विकेट जल्दी गिरना सिचुएशन ऑल्टर कर सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि सेंस ऑफ प्रिपरेशन में भारत आगे है, क्योंकि आपने इतने मैच खेले हैं, पाकिस्तान ने मैच नहीं खेले। अच्छा, पाकिस्तान के लिए शाहिनशाह अफरीदी का झटका ज़्यादा बड़ा है बनस्पत इंडिया के शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है निखिल देखते हुए कि पाकिस्तान अभी भी अपनी फास्ट बॉलिंग की ताकत पर जा रहा है वहाँ पर, और अगर आप कह रहे हैं कि वो तेज़ बॉल डालते हैं तो वो जाहिर तौर पर बॉल आगे ही फेंकेंगे। अगर आप तेज़ करते हो T20 में, आप आगे जाओगे, आप विकेट लेने के लिए जाओगे, जब तक बॉल हिलेगा आप वो दो तीन ओवर आगे फेंकोगे। अब आगे में क्या होता है, बॉल तो हिलता है, आपको विकेट भी मिलती है, लेकिन आगे में फिर खड़काई भी, अगर पिटाई होनी शुरू हो जाए तो पिटाई भी बहुत होती है। इंडिया आई थिंक ऑन द अदर हैंड, शायद आई डोंट नो विकेट कैसी होगी, अब हमें कल पता चलेगा, लेकिन इंडिया ऑन द अदर हैंड तो स्पिन को लेकर गया है ना वहां पे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती की है, आई डोंट नो अगेन शायद हमने उस प्लेयर को मैच बाय मैच फॉलो नहीं किया, बट मैं हैरान हुआ देख के कि इमाद वसीम उस टीम में नहीं है। इमाद वसीम T20 के अच्छे प्लेयर हैं, नया बॉल पिछली वर्ल्ड कप में भी उन्होंने डाला था, और निखिल वो नया बॉल जो लेफ्ट हैंड स्पिनर डालता है भाई, उनका एक तो वो होता है ना बॉल आप टर्न कराते हो, वो सीम पे, वो स्पिनर भी सीम पे फेंकता है, उसका कुछ कुछ बॉल इनस्विंग की तरह भी होता है, वो आपको फ्लाइट देगा, नया बॉल है आप मार लो, रोहित शर्मा मारने जाएंगे, पिटाई होगी नहीं तो बैट्समैन को आउट भी कर सकते हैं। वहां मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है पाकिस्तान की सोच पे। नहीं, आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और मुझे लगा कि इंडियन टीम जब तैयारी कर रहा था ना, शायद ये इमाद वसीम वाले फैक्टर पे बड़ा ध्यान दे रहा था, शायद यही कारण हो सकता है कि जो अब मैं सोच रहा हूँ। देखिए उस टाइम हम जब देख रहे थे ऐसी क्या चीजें कर रहा है इंडियन टीम, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, जो आपने देखा कि ऋषभ पंत और सूर्य कुमार ने ओपन किया ना, अब मैं इन हाइंडसाइट जब पीछे देख रहा हूँ शायद इस वजह से किया, क्योंकि आपको पता है कि कई टीमों ने, अच्छा आपको याद होगा इमाद वसीम पाकिस्तान सेंटनर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही किया था इंडिया के खिलाफ, सेंटनर ने बहुत डाला था। यस, तो मुझे लगा इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप स्काई और पंत को जो देख रहे थे ना ओपनिंग कराते हुए, शायद ये इसीलिए था कि अगर लेफ्ट आर्मर डालता है ये दोनों थोड़े, एक तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन शायद बेहतर खेलेगा और स्काई अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, तो थोड़ा अगर कोई दूसरी टीम ये प्लान लेके आती है तो हमारे पास ये प्लान भी है, हम भी उस टीम को सरप्राइज करेंगे। अब मुझे लग रहा है ये शायद रीजन था कि आप सूर्य कुमार और पंत को देख रहे थे ओपन करके। सो भारत, आपका ये कहने का मतलब है कि सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। यस, और मुझे एक और चीज लग रही है, मैं इससे ये आपसे जानना चाहता हूं, मैं आज क्योंकि मैंने वो खबर देखी कुलदीप सेन को शायद एज अ नेट बॉलर लेके जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेट बॉलर सडनली आपने सोचा एक भेजेंगे और टीम के साथ रखेंगे, क्या मैं मतलब 1+1 कर रहा हूं या ज्यादा सोच रहा हूं, कि ये तो नहीं कि कहीं दीपक चहर को आप टीम में करते हैं क्योंकि स्टैंड बाय पहले उन्होंने सोचा हो कि इनसे नेट पे ज्यादा बॉल डालेंगे, लेकिन वो टीम में आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा नेट बॉलर ले आते हैं और इससे शायद दीपक चहर टीम में आते, पता नहीं मुझे ऐसा लगा, क्या ये सोच है, क्या इसके बारे में टीम इंडिया सोच रही होगी, आपको क्या लगता है? हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, और आप वहां पर, आपने कल विकेट तो देख ही ली है, आपने वहां विकेट देख ली है, हालांकि आप तो कल ICC एकेडमी में, आप भारत, आई थिंक इंडिया ने प्रैक्टिस की है, शायद दुबई का विकेट जो ग्राउंड का विकेट होगा वो भी शायद देख लिया होगा, नहीं तो आज देख लिया होगा, एंड आई थिंक यू हैव एन आइडिया। मेरा भी ये मानना है कि आप टेम्पलेट उठाएं 2020 का, टेम्पलेट उठाएं 2021 का, भाई दोनों उनके जो UAE की क्रिकेट ये सीजन का आगाज IPL के जरिए हुआ था, और दोनों IPL आप उठाएं, पिछले साल की IPL और उससे पिछले साल की IPL, शुरुआती दिनों में फास्ट बॉलरों को मदद मिली है, क्योंकि वहां पे जहां ड्राई एरिया होगा, ड्राई वेदर होगा, गर्मी होगी, अब शुरू में ड्राई विकेट दे दोगे तो भाई आपका सीजन तो लास्ट ही नहीं कर सकता, आपको शुरू शुरू में विकेट पे थोड़ा घास तो देना ही होगा। एंड इंडिया दूसरा मैच खेल रहा है भाई, आप दूसरा ही मैच खेल रहे हो सीजन का, अगर उस विकेट पे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपको घास दिखे तो यू माइट एक्चुअली गो इन विद दीपक चहर, बट आई डोंट नो इस टूर्नामेंट के प्रोटोकॉल्स क्या है, क्या नियम है, कानून है, बिकॉज टूर्नामेंट में भी क्या आप जिसको मर्जी लेके जा सकते हैं, या वुड यू वॉन्ट टू रिप्लेस समवन विद समवन?
नहीं, मेरे को लगता है कि आई थिंक थोड़ा लीनियंट है ये, आईसीसी जैसा नहीं है। आप एक रिप्लेसमेंट कर सकते हो या एक एड ऑन भी प्लेयर रख सकते हो लास्ट मोमेंट आई थिंक, बट आप सही कह रहे हो, ये देखना होगा कि क्या प्रोटोकॉल है, तो वो चीज का तो इंतजार करना है। लेकिन एक चीज जो मैं प्रैक्टिस, आपने बात की वहां पे कि मैं प्रैक्टिस की भी तस्वीरें देख रहा था, और रोहित शर्मा और विराट कोहली नेट में कई बार तो आप थोड़ा टाइम लगा रहे होते हो ना, आप अपनी डिफेंस पे काम कर रहे होते हो या आराम से खेल रहे होते हो, बस बॉल हिटिंग बैट, ये तो उड़ा रहे थे, दोनों उड़ा रहे थे। मतलब ये चीज इन्होंने मान लिया कि भाई अब ये नहीं है कि हम वो मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन है, 6-7 है ना, पहले वही उड़ा रहे होते थे सिर्फ छक्के, लेकिन अब तो ऊपर का बैट्समैन भी वैसे ही खेल रहा है। पता नहीं, मुझे लगता है ये सोच लेके आए हैं सब, एक ही थॉट प्रोसेस है कि भाई आपने उड़ा के खेलना है, यही अंदाज में पूरी टीम ने खेलना है। एंड आई थिंक ये अच्छा भी है, स्पेशली फॉर प्लेयर्स जो अच्छे फॉर्म में नहीं है। दूसरी बात, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो वर्ल्ड कप का मैच जो आप बात कर रहे हो, तब से लेके अब तक एक मैच में तीनों खेले नहीं है एक साथ, केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक मैच भी नहीं खेले हैं एक साथ, कभी कोई एक नहीं होता, कभी दूसरा नहीं होता। तो ये भी आप करीब 10-11 महीने बाद देखेंगे कि तीनों एक साथ 11 में होंगे, मतलब मैं उम्मीद कर रहा होंगे 11 में, आई डोंट नो, उस पे कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपकी बातें जैसे आप बता रहे हैं, प्रैक्टिस का आप याद करा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है अब निखिल कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जब आप कहते हैं ना, मतलब मैडनेस इन मेथड या मेथड इन मैडनेस, उसमें एक कॉमन चीज होती है कि आप बैटिंग थोड़ी लंबी करते हैं। आई डोंट नो, इंडिया क्या ये रिस्क लेगा कि दिनेश कार्तिक 7 और हार्दिक जडेजा प्लस सिर्फ 3 बॉलर, यानी कि 5 उन दोनों को मिला के, या फिर आप हार्दिक 6 हैं, दीपक हुड्डा 7 हैं, जडेजा 8 हैं, ये भी हो सकता है कि भारत 2 फास्ट बॉलर, यानी कि आप भुवनेश्वर और अर्शदीप, यूजी चहल जडेजा, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, ये भी एक। मुझे आपका फर्स्ट ऑप्शन के सबसे कम चांसेस लगते हैं, मुझे नहीं लगता वो होगा। तो दिनेश कार्तिक टीम में क्या कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। नहीं, उनको आपने उस रोल के लिए रखा है, आई थिंक कि वो फिनिशर का रोल निभाएंगे। कहीं ना कहीं आपने ये सोचा है कि भाई हो सकता है कि अगर ऋषभ पंत, देखिए ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में रन बनाया, उससे पहले रन नहीं आ रहे थे, कहीं उनको लगा हो कि अगर एक बैकअप विकेट कीपर हमें चाहिए हो तो दिनेश कार्तिक है, और वो फिनिशर्स का रोल वो अपना सकते हैं। उस लिहाज में आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो है ही भरने के लिए, तो आप जाइए। आई थिंक अभी की सिचुएशन में पंत और कार्तिक मुझे तो नहीं लगता एक साथ खेलेंगे। अगर आप वो टेम्पलेट अपनाते हो तेजी से बैटिंग करने का, तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या आप दीपक हुडा को खिला लेते हो एज द थर्ड स्पिनर, बट वो भी मुझे कम ऑप्शन लग रहे हैं। सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आपके नंबर 8 पे आर अश्विनी आएंगे, तो वो आपके तीसरे स्पिनर है, और आप होप कर रहे हैं कि वो ठीक ठाक मतलब बैट्समैन है, 3 नंबर पे भी बैटिंग कर चुके हैं, और 8 नंबर पे आते आते तो आपको वैसे भी 4-5 बॉलें बचेंगी उस, या 7-8 ज्यादा से ज्यादा, उतने में तो वो भी कर लेंगे अगर करना होगा, उनका दिन हुआ तो। आई थिंक ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, आप अच्छे बॉलर्स के साथ जा रहे हो, एक बैकअप भी है आपके पास, बॉलर 6 बॉलर तो चाहिए, वो फर्स्ट ऑप्शन लगता है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप रिस्क ले लें कि दीपक हुडा के साथ जाए, जहां आप अपनी बॉलिंग कमजोर करते हैं लेकिन बैटिंग बहुत मजबूत कर लेते हैं। आई थिंक यहां पर बैठ के हम दोनों थ्योरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन कल होपफुली इस वक्त जब हम दुबई से लाइव होंगे, मैं और निखिल नाज, इनकी वहां पे जो यॉट है वहां से, तो शायद ये जो 24 घंटे बाद आपको तफसील भी देंगे कि भारत की सोच क्या है, एक्चुअली 11 की सोच क्या है, वहां पे विकेट कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, प्रैक्टिस कैसी चल रही है। इमेजिन कीजिए कल हम 7 बजे लाइव होंगे दुबई से। एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि आज तक पर भी क्रिकेट का शो जो है वो 7:30 बजे वापस आ रहा है, शनिवार से शाम 7:30 बजे आप आज तक का वो क्रिकेट शो भी देखेंगे, टेलीविजन पर देखेंगे। हरभजन सिंह मेरे साथ रहेंगे, सुनील गावस्कर रहेंगे, मदन जी भी रहेंगे, तो मजा आएगा एशिया कप में। साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।